me, what is the good price of sari? Do you know? It depends on. I don't know. How can I say it's too expensive in Hindi? बहुत महंगा है. बहुत महंगा है. अरे कहना क्या चाहते हो? So Christmas आ रही है. Christmas के लिए ना ये. देखो कितना बढ़िया है. ये छूके पता चला कि बहुत. तो हे गाइस, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग. सो पिछला व्लॉग आपने देखा वॉटर पार्क का था, द ग्रेट एस्केप वॉटर पार्क का, जो कि बहुत ही ज़्यादा आपने प्यार दिया. फिलहाल आज का व्लॉग जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग हो सकता है अगर आप मुंबई में हो या फिर आप मार्केटिंग या फिर आप शॉपिंग करना पसंद करते हो. तो आज मैं आपको लेकर चलने वाला हूँ मुंबई की बहुत ही खास मार्केट में, जो है क्रॉफर्ड मार्केट, जहाँ पर आपको वैरायटी ऑफ थिंग्स, मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिल जाएंगी जो आप अपने एरिया में अगर खरीदने आते हो तो आपको बहुत ज़्यादा महंगी मिलती है. तो ऐसी कुछ चीज़ें जो आपको बहुत ज़्यादा महंगी मिलती है वो आपको क्रॉफर्ड मार्केट में जो है बहुत सस्ती मिल सकती है. तो ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं, बस चलते हैं, ब्लॉग शुरू करते हैं. वीडियो अगर पसंद आएगा तो प्लीज़ एक छोटा सा लाइक करना, नए हो तो सब्सक्राइब करना. चलिए वीडियो करते हैं शुरुआत. तो फिर चलो आज हम ट्रैवल करने वाले हैं ट्रेन से. मैं आपको बताऊं, करीबन मुझे बहुत साल हो गए कि मैं ट्रेन में चढ़ा हूं. तो फाइनली आज कितने साल बाद ट्रेन में चढ़ रहा हूं, और रश अच्छी खासी तो कम थी. और इस वक्त जो है मैं पहुंच चुका हूं मस्जिद बंदर में. यहां से आती हूं 5 से 6 मिनट का ही रास्ता है क्रॉफर्ड मार्केट का. और ये देखिए क्या ही नज़ारा मैंने मतलब बचपन में देखा था. ये जो बेचारे हैं अपनी मेहनत से कमाते हैं और अपना टैलेंट दिखाते हैं, तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे ये चीज़ देख के इनकी. तो फिलहाल अभी इस वक्त जो है मैं क्रॉफर्ड मार्केट जो है वो पहुंच चुका हूं. और भाई साहब गर्दी आज वैसी की वैसी जैसे पिछली बार हमने देखा. तो चलो आज देखते हैं यहां पर हमें क्या क्या मिलता है. सो फाइनली पहुंच गए हम, और काफ़ी ज़्यादा रश रहती है. अगर सैटरडे संडे को आप आ रहे हो ना तो बहुत ही ज़्यादा रश रहती है. और रश होने के बाद हाय, हेलो 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 हेलो, हाउ आर यू? How are you? Good. I saw you on internet, viral girl. That's. Yeah. So, yeah. How? Hi. I'm also making vlogs. Oh, say hi. Yeah. Hi. I finally इनसे मिली लिया. कल इनका video देख रहे थे और आज कम this side. और मैम से मिली लिया. What's your name? कन्हैया बरे vlogs. कन्हैया बरे vlogs. कन्हैया बरे. Yeah. If you will find me na in on YouTube, like Mumbai water park, all videos is mine only. Yesterday I saw your video and see today we met. Nice to meet you. Is it live? No, it's not live, but I'm going to edit at home and just. You are live na? I was. Yeah, I'm live actually. How are you? Hi. बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा. आप like you are making very good content and where much people are watching you, are very many people are loving you. I saw your live chat. Yeah, yeah. Really? Oh, my live chat is very fun. I cannot even like read everything. Yeah. Yes, I saw you. Yeah. Yeah, I have a like chance carrying, but yes. All the time I cannot really read everything. Yeah. So any problem? Nothing. No, nothing. Actually, I just came. Like I just arrived. Acha. And I'm looking for a pre-made sari. Acha, sari. Okay. I think so. You are going straight now. Many shops are there. Really? Okay. Tell me, what is the good price of sari? Do you know? It depends. Do you wear sari now? No, I don't. I will. I think so. It's depend upon your budget. Like you will get for 500, 600. 500. It starts. Yeah. And this is very cheap market. You can get like till 2,000, 3,000. You from 500 to 3,000, 4,000. Like how much you can spend here? If you bargain na, then you will get in less also. How can I say it's too expensive in Hindi? अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है. बहुत महंगा है. बहुत महंगा है. तो इन्हें मैं बता रहा हूँ कि अगर ये बार्गेनिंग करते हैं तो हिंदी में कैसे बोलेंगे. तो इन्हें मैं बताया कि बहुत महंगा. अभी कल ही मैंने इनका वीडियो देखा. महंगा है. या थैंक यू. बहुत महंगा है. बहुत महंगा है. यस यस. आई एम गोना जस्ट कीप रिपीट दिस. बहुत महंगा है एवरीवेयर. या लाइक व्हेन यू गो टू द परचेस ना, द प्रोडक्ट इज नॉट प्रोफिट टू, दे विल टेन रुपीस. सो यू जस्ट बार्गेन इट, दे विल गिव यू. या कीप बार्गेन. या हां. ठीक है, कल फोटो ले रहा. हाय हाय.
फाइनली मिल गया यार, मतलब अच्छा लगा। मैं यहाँ पे रैंडमली आया था ब्लॉग बनाने के लिए, क्योंकि टुडे इज टू मच स्ट्रेस। यस्टरडे आल्सो आई केम हियर टू एक्सप्लोर दिस मार्केट, बट सी मैम्स फैन, मैम के फैन, मैम काफ़ी फेमस हो गए मुंबई में आके। जो इंसिडेंट उनके साथ हुआ था मैं रिपीट नहीं करना चाहूँगा, बट काफ़ी अच्छा लगा इनसे मिलकर। अचानक से देखो यार, मतलब मिलना होता है तो लिखा होता है तो मिल जाता है। कम दिस सेट। If you want any other help, you can tell me, okay? Okay, thank you very much. Okay, thank take you. Care. Just take go. Care. Yeah, okay, enjoy. Thank you. Bye. तो इस वक्त मैं आ चुका हूँ एक ऐसी गली में जहाँ पर आपको ना, मतलब दादर में आपने देखा होगा फुल मार्केट, अगर मुंबई से हो आप तो पता होगा आपको, तो फुल मार्केट तो है बट यहाँ पर आपको फूल जो है वो असली नहीं नकली मिलेंगे, लेकिन असली से कम नहीं मिलेंगे। मतलब मेरे बैकग्राउंड में आप देख सकते हो ना, एक से एक चीज़ें, मतलब ये देखिए रेडीमेड, तो ये क्रिसमस के लिए जितने भी चीज़ें हैं आप सजा सकते हो, अपने घर के बोर्ड पर लगा सकते हो उनके, और सारी चीज़ें ना, और सारी चीज़ें आपको बहुत 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 सस्ते में मिल जाएगी। अब कितना चलती है वो मुझे पता नहीं, लेकिन ऑलमोस्ट सारी चीज़ें जो है आपको सस्ती में मिलने वाली है, ठीक है? तो भाई साहब कितने ओरिजिनल लग रहे हैं हमारे सेंटा क्लॉज। तो ये सेंटा क्लॉज किसका है? उनका है। अच्छा, मतलब आई थिंक सो सेल करने के लिए रखा होगा तभी रोड, क्योंकि क्या ज़बरदस्त दिख रहे हैं, है ना अंकल जी? मस्त है ना, क्या बात है, बता क्या दिख रहे हो यार सेंटा क्लॉज। सेंटा क्लॉज जो है, मतलब ये जो है सभी लोगों को गिफ्ट दिया करते थे, है ना, पता है आपको बात? तो मांग लेते ना फिर सेंटा क्लॉज, ढेर सारे सब्सक्राइबर हो जाए हमारे, है ना अंकल जी? हाँ जी, है ना, सब्सक्राइबर होने चाहिए ना, बोल दो सब्सक्राइब करो अंकल जी बोले। तो सेंटा क्लॉज से भी एक विश मांगना चाहूँगा, सेंटा क्लॉज यार फटाफट सब्सक्राइबर बढ़ाओ यार, कितना टाइम लगेगा, 25,000 के बहुत नज़दीक है हम लोग, ठीक है? अब इसका रेट क्या है ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन आप देख लीजिए, अगर आप प्रॉफिट मार्केट आ रहे हैं तो आपको ये चीज़ जो है, ऐसी चीज़ें जो है वो देखने के लिए मिल सकती है, ठीक है? देखो बहुत सारी चीज़ें आप, चलिए फिर मिलते हैं, टाटा बाय। सो क्रिसमस आ रही है, क्रिसमस के लिए ना ये बड़ा वाला सर कितने का है? ये 10 फीट आएगा, 10 फीट का, 16,000 का है, 16,000 का। और ये बाकी के छोटे छोटे, बाकी सब छोटे छोटे 1,000 रुपये से स्टार्टिंग रहेगा, एकदम छोटा 400, तो ये 400 का, ये 1,000 रुपये का, ये 1,000 रुपये का, 1,000 रुपये का। हाँ, डेकोरेट में थोड़ा लेंगे तो ऐसा 2,500। और इसका क्या बता, भूल गया मैं, 16,000। क्या मतलब क्या दिख रहा है ज़बरदस्त, ये चीज़ तो मैं पहली बार देख रहा हूँ मार्केट में, 10 फीट का। थैंक यू सो मच। प्रॉफिट मार्केट में आप आ रहे हो तो आपको दुनिया का सारा सामान मिल जाएगा, आपको जो चाहिए ना वो मिल जाएगा। आप आइए, आपके जेब में रोकड़ा हो, आई मीन पैसा हो, तो आपको ढेर सारा कुछ ना कुछ आप खरीदते जाओगे। मॉल में आप खरीदी करते हो ना, उससे ज़्यादा खरीदी आप यहाँ पर आगे कर रहे होगे, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत सारी चीप रेट में, बहुत सारे सस्ते रेट में आपको बहुत सारी सामान मिल जाएंगी। और यहाँ पर जो बोलते हैं ना कि बार्गेनिंग अगर आपको करने आती है तो आप बस कहिए बहुत महंगा है, जैसा कि मैम ने अभी आपने देखा, मैम ने ये कितना ज़बरदस्त दिख रहा है, खतरनाक एकदम, क्या लग रहा है, वाह, मतलब आपके घर में अगर आप ये लगाते हो तो एक शान ही अलग बढ़िया गया ना, क्या लग रहा है यार, देखो ऐसा लग रहा है चॉकलेट का है पूरा ये, देखो ना, मुझे ऐसा लगा एकदम रियल है, जब बाद में मैंने इसे छुआ तो मुझे पता चला। कैसे कितने का ये? 200 का जोड़ी है। और भी बहुत सारे, देखो एकदम रियल एकदम लग रहा है, सॉरी, हाँ देखो मस्त लग रहा है, 200 की जोड़ी, मतलब एक और हाँ दो, ओके, थैंक यू सो मच। मतलब ये तो फुल बाजार हो गया दादर वाली मार्केट की तरह, बट थोड़ा डुप्लीकेट है, रियल नहीं है, लेकिन रियल से कम नहीं दिख रहा है, मज़ा आ गया देख यार, क्या बात है ना, लॉन्ग टाइम चलने वाला, लाइक 1 साल इस्तेमाल करो, 2 साल इस्तेमाल करो। थैंक यू सो मच। तो घर को सजाने के लिए तो काफ़ी अच्छे सारे यहाँ पे फूल वगैरह रखे हुए हैं, जो कि देख के बहुत ही अच्छा लग रहा है। और यहाँ पर ये देखिए, ये आई थिंक सो ना, बड़े बड़े अगर आपके फ्लैट्स हैं तो गैलरी वगैरह में ना लगाने के लिए ये सारे फूल अवेलेबल है। तो ये डोर पे लगाते ना, दरवाजे पे, कैसे है ये? 150 का जोड़ी है। अच्छा, 150 का जोड़ी, ठीक है बढ़िया। और ये छोटे वाले? 100 का 4 है। ठीक है, थैंक यू सो मच। तो यहाँ पर कुछ टेडी बेयर्स रखे हैं, और आपके यहाँ पर कितने में मिलता है मेरे को जरूर बता। कैसे भैया? 150। ओके, तो देखो यहाँ पे कितनी अच्छी बात है, मतलब आप यहाँ से अगर घड़ी ले रहे हो तो कोई भी ले लो, 200 रुपीज़ में। एग्जैक्टली ये प्रॉफिट मार्केट ही ना, ओके, तो देख रहे हो। और यहाँ पे कुछ कपड़े हैं, आपके पास कपड़े कैसे? 200 में कोई भी। तो यहाँ पर भी 200 में आप कोई भी टी शर्ट ले लो। मुझे बड़ी शॉपिंग करने जानी पड़ी, क्योंकि बहुत जल्द मैं बहुत एक अच्छी जगह पर जाने वाला, आपको आने वाले ब्लॉग में बताऊँगा मैं। तो कुछ अगर सस्ते अच्छे कपड़े चाहिए तो यहाँ से परचेस कर लेना चाहिए मुझे लगता है, जो कि कैम्प, जो कि क्या, हाँ कन्हैया बरे ब्लॉग्स,
ठीक है, अच्छे सस्ते कपड़े अच्छे कपड़े होते हैं बिकॉज आप अफोर्ड कर सकते हो। सेकेंड थिंग, ये जो है कैमरे में ना बहुत जच के दिख के आते हैं। तो क्या नाम है इसका? इसको दोहड़ बोलते हैं। दोहड़ ओढ़ मतलब ओढ़ भी सकते, बिछा भी सकते। तो ये ओढ़ भी सकते, बिछा भी सकते। क्या रेंज बताया सर इसका? 500 का पर। तो बेड पे रहता है ना, आई मीन जो बेड पे, पे भी डाल सकते हैं, नॉर्मल कहीं भी जाते हैं। ओके ओके, तो ये देखो कितना बढ़िया है, ये छूके पता चल रहा है कि बहुत बहुत ही बढ़िया इम्पोर्टेड है। वाकई में इसे टच करके पता चल रहा है यार क्या सही चीज़ है यार, 500 की मतलब क्या ही बोले। थैंक यू सो मच सर। ये है हमारे घर पे जो पैर पोछने के लिए रखते हैं वो है, और वहाँ पर जो है ढेर सारे सैंडल्स अवेलेबल हैं, चटाई है। और कैसे भैया ये? ये 250 जोड़ी। 250 रुपये की जोड़ी? अच्छा ठीक है बढ़िया। तो देखो अलग अलग टाइप के है ना, ये पायदान बोलते हैं इसको, पायदान पायदान पायदान। और वो वाले? ये वाले हाँ 450 का। 450 तो बड़े हैं क्या? बड़े मतलब वो जो बड़े बड़े घरों में बिछाए जाते हैं। थैंक यू सो मच। तो देखो यहाँ पे ना अच्छे अच्छे ग्लासेस वगैरह हैं जो पानी पीने के लिए या फिर बहुत सारी चीज़ें के लिए होता है, तो यहाँ पर आपको ना बहुत चीप रेट में जो है ना मिल जाएगी। मेरी फेवरेट ग्लास ये वाली है देखो, जो कि मेरे पास ऑलरेडी मेरे गांव वाले घर में है, काफ़ी मज़ा आता है, हम इसमें चाय या फिर जूस पी लेते हैं, बाकी तो और किसी काम का नहीं है मेरे। तो एक चीज़ है बहुत ये प्रॉफिट मार्केट जो है ना, आपको एक चीज़ में मतलब सस्ती से सस्ती सामान जो है आपको मिल जाएगा। कितने का ये? कैसे चल करते थे? अंधेरे में अच्छा लगेगा। अच्छा अंधेरे में हाँ सही बात है, तो ओरिजिनल लगेगा थोड़ा सा। मैं मॉर्निंग में एक मैं ट्रिप और करूँगा प्रॉफिट मार्केट जो कि होगी शाम को, अगर आप चाहते हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करना। ये कितने का भैया बताए? 150 का। तो फिलहाल अभी मैं आपको जहाँ पे लेके चल रहा हूँ ना, यहाँ पर आपको सारी चीपेस्ट लाइटिंग जो है देखने के लिए मिल जाएंगी। ये देखो यार ये देखो क्या चीज़ है भैया, ये कितने का है? 1000 रुपये का है। तो क्या चीज़ लग रही है यार, ये भी देखो कितनी बढ़िया है, और ये भी। तो शाम को अगर आप चाहते हो मैं आऊँ यहाँ पर शाम को ब्लॉग बनाऊँ, खास करके लाइटिंग्स के लिए, अगर आप लाइटिंग्स करना चाहते हो अपने घर के लिए तो काफ़ी चीप रेट में आपको यहाँ पर जो लाइटिंग्स है वो मिल जाएगी। अगर आप चाहते हो मैं शाम को आऊँ तो मुझे प्लीज़ एक छोटा सा कमेंट करके ज़रूर प्लीज़ बताना कि शाम को अगर आप प्रॉफिट मार्केट देखना चाहते हो, प्रॉफिट मार्केट एग्जैक्टली क्या है क्या नहीं है ये आपको शाम को ही पता चलने वाला है कि मतलब यहाँ पे क्या क्या मिलता है देखने के लिए। मैं तैयार हूँ ब्लॉग बनाने के लिए अगर आप मुझे कहेंगे तो शाम का एक ब्लॉग आपके सामने ज़रूर आ जाएगा। प्रॉफिट मार्केट शाम को जो है ऐसा लगता है दिवाली चालू हो चुकी है सीरियसली। देखो कैसे है ये पुल वगैरह के बारे में बताइए। कितना? 250 का। ये कहाँ लगाते हैं? 100 रुपीज़ का है। ये कहाँ लगाते हैं? कहाँ पे? दीवार पे लगाते हैं। अच्छा दीवार पे। ओके 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 हाँ, जिनका आप गैलरी वगैरह होती है तो ये आप इस तरह से उसको सजा के ऐसा लगेगा कि आपके घर में फूल ही हैं, हालांकि ये है प्लास्टिक के बट दिखते हैं एकदम ओरिजिनल यार। देखो फूल वगैरह देखो यहाँ पे। और ये कैसे? ये 150 का एक बंच। 150 का एक बंच है। अगर आपके पास कोई गमला है तो उसके अंदर आप लगा दीजिए दो चार मिक्स करके, लाल सफ़ेद येल्लो जो भी है, तो काफ़ी अच्छा दिखाई देगा ये। और ये कितने का है? 200 का। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा भैया। और ये एग्जैक्टली एरिया का नाम क्या है? ये जो ये गली है हाँ, इसको विट्ठलदास बोलते हैं। विट्ठलदास मंगलदास। अच्छा यहाँ से मंगलदास? नहीं ये मंगलदास। अच्छा ये जो सीधा गया मंगलदास हाँ। और ये विट्ठल गली और ये किचन गार्डन। ओके ओके थैंक यू सो मच। तो देखा आपने मतलब मज़ेदार चीज़ें, अगर पैसा है तो आप खरीदते जाइए, आपका पैसा ख़त्म हो जाएगा लेकिन यहाँ की चीज़ें जो है वो नहीं ख़त्म होने वाली है। बढ़िया सा छांस, मतलब दोपहर में घूमते मैं ना एकदम पूरा पागल हो गया, मैंने खाना भी नहीं खाया था एक्चुअली, मैं निकल गया था मॉर्निंग में ही, फिर मैंने सोचा प्रॉफिट मार्केट का ब्लॉग जो है आपके सामने लेकर आके। और देखिए चाचा जी क्या बना रहे हैं, एकदम बढ़िया बना के, तो मतलब दिल एकदम तंदुरुस्त है, खुश है। 12 रुपये की छांस पीता हूँ और फिर घर की ओर निकलता हूँ यार, मतलब बहुत ज़्यादा थक गया आज, बहुत तड़प गया मैं एकदम चल के यहाँ पे। अंकल जी बना रहे हैं। थैंक यू। और ये आ गया हमारा छांस। एक्चुअली जल्दी मैं फूड ब्लॉगिंग करना चाह रहा हूँ, शुरू करना चाह रहा हूँ। क्या कहते हो आप? मतलब अगर आपको गर्मी लग रही है ना और छांस मिले तो ऐसा लगेगा समुद्र में मछली को छोड़ दिया हो। 350 भाई, बड़ा बढ़िया है यार, एकदम दिखने में तो एकदम बलताड़ है। बाकी और अलग अलग कलर हैं आज साइड में। अच्छा क्या बात है मस्त। 350 फिक्स रेट नहीं, कम हो जाएगा।
फिलहाल ये वाली गली देखे सामने पूरी एकदम भरी हुई है क्रिसमस के ही सारे सामानों से, सजाने वाले सामान से। तो अंदर तो मैं जाऊंगा नहीं, क्योंकि थोड़ी गली पतली है और ऊपर से काम चालू है। आप यहाँ से देख लो देखो। तो मस्जिद बंदर यानी यहाँ पर ना बहुत ही बढ़िया मोबाइल मार्केट है, आई थिंक सो, जिसका नाम है मनीष मार्केट। मनीष मार्केट जो है वो बहुत ही ज़्यादा पुरानी है। जब अगर आप आते हो तो कांट से कि मतलब वो एकदम लीगल आपको वहाँ पे मोबाइल मिलेंगे, लेकिन मोबाइल जो है बहुत सारे मिलते हैं मनीष मार्केट में, यहाँ पर मस्जिद बंदर में ही है। तो वहाँ पर तो अलाउ नहीं है मोबाइल से वीडियो वगैरह बनाना। तो आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ, अगर आप आ रहे हो मस्जिद बंदर में तो मनीष मार्केट में आप मोबाइल वगैरह खरीद सकते हो, लेकिन सावधानी के साथ में, ठीक है, समझ रहे हो ना। चलो फाइनली बड़ा पाव, समोसा पाव, सॉरी, कैसे है? बना दो समोसा पाव, बढ़िया। वहाँ क्या बन रहा है भैया? आधा भजिया, आधा भजिया बन रहा है। अच्छा ये देखो, ये कौन सा भजिया है? फिलहाल हम लोग खाएँगे समोसा पाव। बहुत ज़्यादा थक गया आज, मतलब बहुत ज़्यादा, दो ब्लॉग एक साथ बनाया मैंने आज, कल रात का भी और आज सुबह का भी, तो बहुत ज़्यादा हैटिक शेड्यूल रहता है। एक चीज़ है, मुझे प्रमोशन के लिए बहुत सारी चीज़ें आती है, लाइक गेमिंग के प्रमोशन के लिए अच्छी खासी अमाउंट मिलती है, अच्छी खासी अमाउंट मिलती है, बट मैं अभी किसी भी चीज़ का प्रमोशन जो है वो नहीं करता। आप देखते हो मेरी वीडियो पे, बहुत सारे मुझे मेल आते हैं प्रमोशन के, लेकिन मैं अभी कोई भी प्रमोशन जो है एक्सेप्ट नहीं करता भैया, क्योंकि मुझे अभी बहुत सारे फ्रॉड ईमेल्स के भी बहुत सारे मतलब डर होते हैं। जब तक कुछ एक अच्छे मुकाम पर पहुंचना जाओ और एक अच्छा हायर ना कर लो कोई मैनेजर, तब तक कोई प्रमोशन जो है शायद ही मैं करूँ, ठीक है। फिलहाल खाते हैं समोसा पाव, मिलते हैं ब्रेक के बाद। चलो भैया कैसे है? हाँ 90 रुपये प्लेट। तो देखिए यहाँ पे, और वहाँ पर मिल रही है पानी पूरी, और ये चीज़ जो है बहुत मेरी फेवरेट है। मैं आपको दूसरी चीज़ दिखाता हूँ बेटा, सेकंड। तो यहाँ पर आपको, अगर आप गर्ल हैं तो आ रहे हैं तो चप्पल वगैरह मिल जाएगा, तो मेरे तो किसी काम का नहीं है। फिलहाल मैम ने मुझे बोला तुम साड़ी पहन, तो यार हाउ कैन आई वेयर साड़ी, आई एम अ मेल। लेकिन कुछ ऐसा वक्त आएगा जब अपना चैनल जो है ना जो ग्रो हो जाएगा ना, तो हम लोग है ना साड़ी भी पहन के काम कर लेंगे, बिकॉज कपिल शर्मा में तो जितने सारे एक्टर्स हैं वो साड़ी तो पहनते ही है ना, ठीक है। तो अगर कुछ प्रैंक करना हो या फिर कुछ अच्छी वीडियो बनानी हो तो उसके लिए हम साड़ी भी पहनने के लिए तैयार है, ठीक है। तो अभी थोड़ा धीरे बोलना पड़ेगा, ज़्यादा जोर से बोल के फायदा नहीं है। फिलहाल मुझे लगता नहीं कि मुझे जो चीज़ मैं ढूंढ रहा हूँ वो चीज़ मुझे मिलेगी, लेकिन जो चीज़ मुझे मिलनी चाहिए थी वो एक्चुअली मैम मुझे मिल गई, और अच्छा लगा काफ़ी उनसे मिल के। रैंडमली देखिए कितना अच्छा लगता है, मतलब आप जब अपने ही किसी फील्ड वाले से मिलते हैं यूट्यूबर से, तो एक अलग ही नज़ारा होता है। सो टाइम टू गो एट होम, चलते हैं घर की ओर और फिर एक और ट्रिप मारेंगे शाम को, जब आप कहोगे तो, वरना फिर नहीं, ठीक है। चलो